इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के केटी सिंह स्टेडियम में, जहां पे IGCL प्रीमियर लीग का आगमन हो चुका है। आज पहला दिन है और यहां पे तरह तरह से यूपी भर की टीमें आई हैं। वहां पे एक हमारी टीम पीछे खड़ी हुई है जो कि बरेली की है। आइए उनके टीम मेंबर से, जो उनके कैप्टन हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ तक आने का कैसा उनका संघर्ष रहा। आइए बात करते हैं। आपका नाम? श्री सुभाष यादव। अच्छा, आपकी टीम का नाम क्या है? रॉयल कंटावर्स बरेली। अच्छा, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अभी यहाँ तक जो IGCL हो रहा है, यहाँ पे आने पे कितना संघर्ष हुआ और किस तरह से सिलेक्शन हुआ टीम का? टीम ने मतलब बहुत ही अच्छे प्रतिभान खिलाड़ी हैं और जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है, सारे लड़के सिलेक्टेड करे गए हैं, वो भी कमेटी द्वारा, और बहुत ही अच्छी टीम बनाई गई है। तो आपको क्या लगता है कि IGCL एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ की यूथ को एक नया चांस मिलेगा? नहीं, हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं सन 2015 से IGCL से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत ही अच्छे अच्छे लड़के सिलेक्ट हो रहे हैं इसमें। तो यहाँ IGCL जो एक यूथ को एक नया प्लेटफॉर्म देने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है, यहाँ के जो भी खिलाड़ी हैं अच्छे से यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं और कोशिश करेंगे इससे यहाँ पे इनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, जिससे कि भविष्य में ये भारत के लिए खेलें, और उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा खेलेंगे। हम और भी लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे किस तरह से ये लोग यहाँ पे आए और उनका सिलेक्शन का कैसा रहा। अब यहाँ पे जानना चाहेंगे, सर आपका नाम क्या है? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, जैसे कि आपने जब सुना होगा IGCL के बारे में, तो किस तरह से आपने इसके बारे में जाना और किस तरह से यहाँ का ट्रायल दिया? जी, हमारी टीम ने बरेली में ये लीग हुआ था तो हम फाइनल जीते थे, इसलिए हम यहाँ पे फिर खेलने आए, बुलाया गया था। अगर आप जो ये इसका सिलेक्शन हो रहा था, किस पर्पज़ से लोगों का सिलेक्शन हुआ? क्योंकि पूरे यूपी में, पूरे इंडिया में बहुत तरह के खिलाड़ी हैं, लेकिन ये टीम बनाने का कारण क्या था? ये टीम बनाने का कारण ये था कि हमारी बरेली में बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लड़के हैं, सबने अच्छा अच्छा परफॉर्म किया था, वो सारे के सारे हमारे साथ आए। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको ग्रामीण इलाकों से लाया गया है, जिसमें जो ग्रामीण इलाकों में जो भी टैलेंट है, उस जो निखार नहीं पाते हैं, उस टैलेंट को बाहर निकालने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यहाँ से जो ग्रामीण एरिया से जो जितने भी लड़के हैं आगे चल के भारतीय टीम में भी शामिल हो गए। मैं जिशान, कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ द यूपी हेडलाइंस। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल द यूपी हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।